वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। हमने पिछले वीडियो में देखा था 28 तक का, आज 29 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 29 क्या बोल रहा है, देखो किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 13,380 है, ठीक है। 29 3 वर्ष का, ठीक है, मतलब मूलधन पी है मान के चलो, तो इसमें 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, 13380, ये मान के चलो A1, ठीक है। उसके बाद और 3 वर्ष, मतलब टोटल हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 20,070 रुपये, A2 मान के चलो, इसको A2 ले लेते हैं, ठीक है। वह धन कितना है, तो मूलधन आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, पी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, देखो मैं आपको बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है किस पे चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे गुणे पे चलता है, ठीक है। गुणा 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 गुणा, ठीक है। तो मतलब गुणा क्या चीज का गुणा है, तो ये रेट का गुणा होता है, ठीक है। रेट का मतलब किसी ना किसी रेशियो में होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल 10% है, तो 10% बराबर क्या होता है, 1/10। 10 से क्या है, 10 में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि, तो ये इसका मतलब रेशियो में क्या हो जाएगा, 11/10, ठीक है। 11/10 ऐसे गुणा होते जाएगा तो मिश्र धन मिल जाता है, ठीक है। जितने साल का रहता जो भी है मिश्र धन मिल जाता है सीधा, तो एक रेशियो में रहता, ठीक है। 10 मतलब कोई रेशियो का मतलब कोई चीज 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है, ये एक रेशियो होता है। तो देखो अगर सेम ईयर में, अब देखो सेम ईयर में जो होता है ना रेशियो सेम होता है, ठीक है। सेम ईयर में क्या होता है, रेशियो सेम होता है, सेम रेशियो होता है, ठीक है। सेम ईयर में सेम रेशियो होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, वही चीज हो रहा है यहाँ पे। देखो A1 और A2 का रेशियो देखते हैं, या मतलब A2 और A1 का, A2 बड़ा है ना, तो A2 A1 का रेशियो देखते हैं कितना हो रहा है, 20,070 और 13,380। देखो 0,0 कट जाएगा, 0,0 कट गया। अब किससे कटाएंगे इसको, 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा शायद, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 छक्के 18, ठीक। और ये 3 से कटेगा, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, 3 या 27। फिर ये किससे कटेगा, ये मेरे ख्याल से 223 से कट जाएगा, ठीक है। 223 से कट जाएगा ये, 223 दूनी और 223 दिया, ठीक है। अब देखो A2 और A1 का रेशियो कैसे आया, कितना आ गया, 3/2, ठीक है। मतलब कोई चीज 2 से क्या हो रही है, 3 हो रही है, ये पता है आपको, 2 से 3 हो रही है कोई चीज, ठीक है। तो वैसे ही मूलधन जो है वो तो मिश्र धन से A1 से A2 का है ना, वैसे मूलधन से A1 की ओर जाएंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष है ना यहाँ पे, 3 वर्ष। देखो यहाँ पे समान है दोनों, 3 वर्ष और 3 वर्ष, तो सेम ईयर के लिए सेम रेशियो बोला था ना, तो सेम ईयर के लिए सेम रेशियो होगा, यही रेशियो वही उसके लिए भी होगा यहाँ, P और A1 के लिए, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी है आपको पता है, A1 मतलब 3 की वैल्यू ही क्या है, A1 है ना, यहाँ पे देखो कितना है, 3 की वैल्यू ही क्या है, 13380, ठीक है, ये 3 की वैल्यू है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 3 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से भाग देती है इसको, तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 3 चौक 18 0, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई आपको 44,60, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, इसका डबल कर दो, ठीक है। 44,60 का डबल कितना हो जाएगा, 44,60 × 2, तो कितना हो जाएगा, ये 88 और 89 89 और 20, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, 29 हुआ। अब 30 देखें, 30 देखो क्या बोल रहे हैं, 15,000 का 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया है आपको, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखो 15,000 क्या है, मूलधन है आपका, मूलधन है 15,000, ठीक।
दो वर्ष दिया, ठीक है, 2 ईयर दिया है, ठीक है, और साधारण ब्याज वार्षिक। अच्छा, तो आपको ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। तो हम लाइन मेथड से करते हैं इसको भी, देखो 15,000 है, लाइन मेथड से दो लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा, कितना परसेंट है ये पता नहीं, आप कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ये पता है, ये वाले डिब्बे में कितना है, जो एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई का वैल्यू कितना है, देखो सी आई माइनस एस आई बराबर कितना है, 96। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 96, यहाँ पे 96 आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज, तो आपको परसेंट यहाँ पे पता नहीं है, तो परसेंट निकालेंगे कैसे, देखो इसको ऐसा कर लो, ऑप्शन लगा लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है ये देखते हैं, 8, 10 और 12 आपको ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, 8%, 10% और 12%, ठीक है। तो देखो 10% जो है निकालना बहुत आसान होता है, तो 10% हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। 10% को लेके देखते हैं पहले हो रहा है कि नहीं। 10% लेंगे तो 15,000 का 10% कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15,000 का 10% हो जाएगा 1,500, ठीक है। उसके बाद भी 10% कितना होना चाहिए, 1,500 को 10% के यहाँ पे क्या आएगा, 150, ठीक है। मतलब यहाँ पे 150 अगर आता तो हमारा आंसर 10% होता, लेकिन 150 से क्या है, हमारा थोड़ा कम है, वैल्यू कम है, मतलब परसेंटेज भी कम होगा, मतलब 10 से कम होना चाहिए, तो 10 से कम होनी चाहिए, मतलब 8% होना चाहिए। चलो तो चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 8% में देखो 15,000 का 8% निकालोगे, 15,000 का 8% तो ये हो जाएगा 1,200, ठीक। अब 1,200 का फिर 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, 96। तो 96 हमारा देखो आंसर, मतलब ये यहाँ से मैच कर रहा है, तो ये हमारा 8% वाला सही है, तो 8% लगा लीजिए आंसर को, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखो 31, 31 जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन के समान है, पूरा डाटा हर चीज कुछ सेम है, तो इसको मत बनाइए, ठीक है। 18 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है 18, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, पिछले या उसके पिछले वीडियो में होगा। तो 32 से देखते हैं, 32 क्या बोल रहा है, देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में डबल हो जाता है, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में, 8 गुना हो जाएगा। अब देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, गुणे में चलता है, अब देखो 8 गुना बोल रहा है, 8 गुने का मतलब दो दो गुणा करके होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार हुआ, तो ये भी कितना बार हो जाएगा, 3 बार करेंगे, 3 बार मतलब एक गुणा में नहीं रहेगा ना भाई, 5 साल में, फिर 5 साल में, फिर 5 साल में, तो कितना हुआ, 15 साल में, तो टोटल आ गया 15 साल, ठीक। तो 32 का आंसर देखो बी है। तो 33 देखते हैं आप, 33 बोल रहा है कोई धन चक्रवृद्धि, यहाँ सॉरी, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, जैसे 33 देखो 10% दिया है रेट, और 2 वर्ष का देखो, हाँ ऐसा दिया है, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 2 ईयर का क्या है, ऐसा ही है, और 6 माह का, 6 माह चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 6 मंथ का CI कितना है, अंतर दोनों का दिया है डिफरेंस 124.05, ये दिया है। आपको क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना है, ऐसा पूछ रहा है, मूलधन कितना है। तो देखो इन दोनों को थोड़ा सेम कर लो, देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 6 मासिक होगा, तो देखो 6 मासिक होगा तो परसेंटेज क्या है, आधा लगेगा, ठीक है, 10% वार्षिक में, तो 6 मंथ का जो है वो क्या लगेगा, आधा लगेगा, मतलब 5% लगेगा, 10% का आधा 5%, 6 मंथ के हिसाब से, तो 2 साल का ही है, तो इसको भी 6 माह का बना लो, ठीक है, 6 माह का, 6 माह का 4 बार कर लो ना, 2 साल का ऐसा ही निकालोगे या 6 माह का 4 बार करके निकालोगे, 6 माह 4 गुणा करके, ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसके जगह ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब अगर लाइन मेथड से बनाऊं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बनवाता हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं अपने हिसाब से मैं एग्जाम्पल लेके बनवा रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि समझाना उसको जरूरी है। मान के चलो मैं मूलधन लेता हूँ 10,000, ठीक है, 10,000, और मैं रेट लेता हूँ 10%, ठीक।
तो चार लाइन खींचेंगे लाइन मेथड के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा 10,000 का 10-10% करते जाएंगे, 10% 10% 10% 10%, तो कितना हो जाएगा 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, और 1,000 1,000 1,000। आप देखो इसे 1,000 का 10% करेंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इन दोनों का करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का दोनों एक साथ यहाँ पे मिलेगा आपको 200, ठीक है। और यहाँ पे इन तीनों का करेंगे तो कितना मिलेगा 300। अभी 100 का करेंगे 10% तो कितना हो जाएगा 10। अब इन दोनों मतलब इसके पिछले वाले का मतलब इन दोनों का करेंगे इस यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 300 का हो जाएगा 30। फिर इस 10 का कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ मेरे को सिखाना था एक जो है मतलब यहाँ पे एक ट्रिक ट्रिक बन रहा है, ठीक है, ट्रिक बनता है यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक क्या है देखो, ऊपर में तो सब सेम होता है, उसको जरूरत नहीं है, वो तो आपको सबका पता है, जितने साल का रहेगा वो सेम होता है, ठीक है। ये ट्रिक यहाँ पे देखो 100 से क्या हो रहा है 200, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जस्ट इसका क्या 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 हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है और इसका 3 गुना हो रहा है इसी का, ठीक है। इसका 2 गुना और 3 गुना हो रहा है, और यहाँ इस लाइन में से थर्ड अलग से इस सेकंड वाली लाइन में ना, और थर्ड वाली लाइन में क्या हो रहा है, इसका जस्ट 3 गुना हो रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट सीख गया ना तो आप जल्दी से क्वेश्चन बना पाओ, उसी को मैं यूज करके वहां पे दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 मैं एग्जाम्पल लेके बनाया हूँ, और आपको वहां पे मूलधन पता नहीं है, मूलधन में कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो 10,000 में 10% है तो मैं 10,000 ले लिया, जो कि आसान पड़ता है। अब आपको दिया 5%, तो देखो ये क्या कर रहा है, आपको परसेंटेज को आधा कर दिया, तो मैं क्या करूंगा इसको डबल या करूंगा उसका भी डबल करूंगा, तो 10,000 की जगह मैं क्या लूंगा 20,000 एग्जाम्पल में, या तो उससे भी डबल कर लो 40,000, उसमें भी ज्यादा आसान रहेगा, तो मैं 40,000 को लेके देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं 20,000 लेके बनाया था क्वेश्चन, थोड़ा कठिन हो गया 40,000 की अपेक्षा, तो 40,000 में ज्यादा आसान पड़ा, तो 40,000 से मैं समझाता हूँ आपको। देखो 40,000 में मूलधन ले लिया, मूलधन 40,000 में मान लिया, ठीक है, माना, तो ये क्या हो जाएगा 40,000, ये चार चार बार इसका वो करेंगे कितना, 10% नहीं है, 5-5% के हिसाब से लगा रहे हैं ना, इस परसेंट के हिसाब से लगाना, 6-6 महीने का, 6 महीने का CI, ठीक है, ये 6 महीने का 6 मासिक है, 6 महीने का CI नहीं है, 6 महीना गुणा 4, ठीक है, ये भी 6 माही दे होगा, मतलब 6 माही दे होगा, 6-6 महीने में देना है इसको चार बार करके, और ये यहाँ पे 2 वर्ष का देना था एक साथ, या 6-6 महीने का 4 दोगे एक ही मतलब है, तो ये आपको पता है। देखो एक सेकंड, और यहाँ पे देखो ऊपर ये आपको पता भी है ना, मैं बताया भी हूँ क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ना वो ऐसा ही होती है, ठीक है, वो क्या होती है ऐसा ही, ठीक है, और नीचे वाला टोटल जो होता है ये नीचे का जो रहता है वो CI - SI होता है, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं 5%, 40,000 का 5% कितना होगा, ये हो जाएगा 2,000, ठीक, 2-2,000 हो जाएगा, 2-2,000, ठीक है, 2-2,000। अब इसका भी 5%, इसका 5% क्या होगा, 2,000 का 5% होगा आपका 200, कितना होना चाहिए 5%, देखो 1% होगा 20, 5% होगा 100, तो देखो 100, अगर ये 100 है तो इसका मैं बताया था जस्ट दुगुना होता है, तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा, और ये 3 गुना होता है 300, ठीक है। देखो ये मतलब आपको आसान पड़ा कि नहीं, ये जो ट्रिक बताया है उससे सीखने से वही चीज है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका 5% लेंगे तो ये हो जाएगा 100 का 5% 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाते हैं, तिगुना हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे भी, देखो जस्ट ये 2 गुना 3 गुना और ये 1 बार 3 गुना, ठीक। तो यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा ये 15, ओके। अब 5 का फिर 5% लेंगे तो 5 का 5% कितना होगा, 5 का 5% 0.05 का 5, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब देखो आपको CI - SI, ठीक है, मतलब मैं 6-6 महीने का 4 बार निकाला ना, हर 6 महीने का एक लाइन है, ठीक है, हर 6 महीने का, तो 6-6 महीने का 4 बार मैं निकाल दिया, तो CI - SI, ठीक है, मतलब यही दिया है ना, CI - SI, ठीक है, मतलब इन दोनों का अंतर बोले या CI - SI का अंतर, ऐसा है 24.05। और आप लोग बोल रहे होंगे कि SI - CI लिख दिया हूँ, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हूँ, दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि इसमें इसको घटा उसको, भाई CI तो बड़ा ही रहेगा ना, तो इसमें इसको घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, ठीक है, तो ये CI - SI ऐसा लिखा जाएगा, उसको उल्टा मैं लिख दिया हूँ। तो देखो मतलब वही है, आपको 124.05 दिया है, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो रहा है उसको देखते हैं हम माने हैं उसके हिसाब से कितना हो रहा है। देखो तो ये वाला जो घेरा रहता है वो सी आई माइनस एस आई का घेरा होता है, ठीक है। ये जो घेरा होता है सी आई माइनस एस आई का घेरा होता है, तो कितना है 302, 500, 600, 600 ये हो जाएगा 600, 600 ये हो जाएगा 20, ठीक है। 620.25, ठीक है, 620.25 हो गया। लेकिन ये 620.25 ठीक है कितना होगा, 620.25 यहाँ पे है लेकिन ये एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में कितना रुपया है, ये एक्चुअल में 124.5 रुपये है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप भाग दे के देते हैं, ठीक है। देखो 124.5 से मैं इसको 12, 5, 4, 5 बार में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 1/5 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी है, 1/5 रुपए, बस 1 की वैल्यू चाहिए थी हमको। अब ये तो तुरंत निकल जाएगा, पी 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 कितना होगा, ये कितना है, 40,000 है ना, तो 40,000 में 1/5 का गुणा कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा, ये हो जाएगा 5×8=40, तो यार 8,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक। देखते हैं 33 का जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, ये वाला। अब 34 में आ जाते हैं।